लोक कल्याण के काम करते थे। और मुझे याद है कि एक बार जब ओलावृष्टि हुई थी, माननीय पटवाजी उस समय शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो ओलावृष्टि पटवाजी के क्षेत्र में हुई थी तो उनके साथ देखने चले गए थे। बोरा जी मुख्यमंत्री थे, आंदोलनों में मैं मेरा भी उनका पहले वास्ता पड़ा। भोपाल गैस कांड के खिलाफ हम आंदोलन रत रहते थे, मैं युवा मोर्चे का काम देखता था, और तब भी जब हम कोई आंदोलन करते थे तो वो सहजता से बुलाते थे, इसूच पूछते थे और समाधान की कोशिश करते थे। जिस भी पद पर रहे उन्होंने कर्मठता के साथ उस दायित्व को निभाने का काम किया। और अंतिम सांस तक वो लगातार सक्रिय रहे। वो कांग्रेस पार्टी की ताकत तो थे ही, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी उनका अपूर्णीय अतुलनीय योगदान था। आज वह हमारे बीच नहीं है, मध्य प्रदेश की उन्होंने सेवा की, केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा भी की। मैं मंत्रिपरिषद की ओर से और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और हम सब 3 दिन का हमने राजकीय शोक घोषित किया है, तो राजकीय शोक में जो सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए वो नहीं होंगे। मैंने भी अपने कार्यक्रम स्थगित किए हैं। 23 तारीख को मेरे भोपाल में कई कार्यक्रम थे, लोकार्पण और अन्य, वो भी मैंने स्थगित किए हैं। तो 3 दिन तक प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा। उनका अंतिम संस्कार तो दुर्ग में छत्तीसगढ़ में होगा। हम सब 2 मिनट खड़े होकर मौन रहकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शांति शांति शांति। जिसने मुझे अंदर से भी हिला दिया, मध्य प्रदेश के निवासी थे, झज्जर में काम करते थे, मेहनत मजदूरी का, मिस्त्री का, और कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक अपराधी उनके घर पहले बुरी नीयत से आया, जो मेरी चर्चा हुई उनसे, और डरा धमका के पहले परिवार के मुखिया को, क्योंकि ये नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसी परंपरा और ऐसा नियम भी है, तो लात मार के उनको कमरे में बंद कर दिया। पत्नी पे बुरी नजर थी, वो भागी वहां से। पत्नी भागी तो छोटी बेटी मिल गई 5 साल की, उसको उठा ले गया, कमरे में बंद करके बेटी अंदर चीखती रही, मम्मी पापा बचा लो, और ये बाहर से दरवाजे ठोंकते रहे। और जब तक पुलिस पहुंची, मैं दूसरी सरकार की पुलिस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और बाद में दरवाजा तोड़ के निकाला, बेटी दुनिया छोड़ चुकी थी। बहुत हृदय विदारक घटना है, और हम सब के लिए, उस परिवार के लिए मन में संवेदना भी है,
और उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैंने अभी बात की है परिवार के मुखिया से, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, अभी चर्चा कर रहा हूं, वहां के पुलिस प्रशासन से बात हुई। और मध्य प्रदेश में जो हमारी टीम है पुलिस की, अनंत और बाकी, उनको मैं झज्जर भेज रहा हूं, वो पीड़ित परिवार से बात करेगी, उनकी हर संभव हम मदद करेंगे। और तात्कालिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए की राशि हम लोग वहां भेज रहे हैं, उस परिवार के हम साथ खड़े हैं, अपराधी को सजा मिले, इसमें कोई कसर हरियाणा की सरकार नहीं छोड़ेगी, मेरा पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी बहुत कर्मठ हैं वहाँ के, बहुत अच्छे CM हैं, और हम लोग भी उस परिवार के साथ खड़े हैं। तो अभी मैंने कुछ समीक्षा की थी, देखने में आएगा कुछ प्रोजेक्ट काफी डिले हो जाते हैं, इसलिए सभी मंत्री साथियों से मैं ये कह रहा हूं कि सारे प्रोजेक्ट जितने हमारे काम चल रहा है जिन पे, बड़े प्रोजेक्ट की सबकी समीक्षा नियमित होनी चाहिए, नहीं तो एक एक साल डिले हो जाते हैं, 1.5 साल डिले हो जाते हैं, 2 साल डिले हो जाते हैं, तो लागत भी बढ़ती है, फिर काम प्रभावित होता है। हर महीने मैं भी समीक्षा करूंगा बड़े प्रोजेक्ट्स की, आपके विभाग के प्रोजेक्ट्स की आप समीक्षा करें ताकि समय पर काम पूरा हो सके। और हम सब ये जानते हैं कि किसान कल्याण के काम लगातार भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी हमने 1600 करोड़ रुपया डालने की शुरुआत की है, वो 15 दिन के अंदर 1600 करोड़ रुपया हर खाते में 35 लाख किसानों के पहुंच जाएंगे, 1/3 राहत की राशि अभी लगभग हम डाल रहे हैं, पर आगे फिर पैसे का इंतजाम करके, एक किस्त है अभी, एक किस्त और हम बाद में इंतजाम करके देंगे। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर 9 करोड़ किसानों के खाते में, 9 करोड़ किसान के खातों में 18,000 करोड़ रुपया डालेंगे, जिसमें 78 लाख किसान मध्य प्रदेश के हैं। आप जानते हैं कि पिछली सरकार ने तो सूची नहीं भेजी थी ढंग से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, हमने उसको पूरी की है, तो बढ़ते बढ़ते अब 78 लाख नाम उसमें हो गए हैं। तो 78 लाख किसानों के खाते में हमारे यहां भी पैसा आएगा, और ये कार्यक्रम का आयोजन करके ये पैसा डाला जाएगा। इसलिए कार्यक्रम की रचना की है, 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कार्यक्रम मुख्य रूप से 2 स्तरों पर होगा, एक ब्लॉक मुख्यालयों पर और दूसरा होगा पंचायतों में, जैसे पिछला कार्यक्रम हमने किया था। कलेक्टर्स को यहां से निर्देश दिए गए, शासकीय कार्यक्रम होगा, राशि डालने का कार्यक्रम है, CO जिला पंचायत ब्लॉक में उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, कृषि विभाग साथ रहेगा, पंचायत और ग्रामीण विकास, कृषि विभाग और राजस्व विभाग, ये मिलकर इस काम को करेंगे। 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो 11 बजे स्थानीय विधायक का, जहां आप रहेंगे, आप कहां रहेंगे, वो स्थान की आप सूचना दे दें, कृषि मंत्री को ही आप दे दें, तो वहां आपके कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी, सूचना दी जाएगी। हर ब्लॉक में हम कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, एक सुनिश्चित संख्या बताई है, 313 ब्लॉक में हमारे विधायक रहेंगे, हमारे सांसद रहेंगे और भी वरिष्ठ जन नेता रहेंगे, और आपके स्थान की सूचना मिलेगी तो वहां आपकी सूचना दी जाएगी। कार्यक्रम में कृषि कानूनों पे हमको नहीं बोलना है, लेकिन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो किसानों के कल्याण के काम किए हैं उन सब पे बोलना, कृषि कानूनों पे तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ही। 11:30, 11:40 पे मैं भी बोलूंगा, उसके पहले विधायक, आप एक जगह कृषि मंत्री भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी
सब लोग बोलेंगे और बाद में ठीक 12 बजे में जब 2-3 मिनट रहेंगे हम अपना कार्यक्रम बोलने का समाप्त कर देंगे। 12 बजे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और फिर प्रारंभिक उद्बोधन केंद्रीय कृषि मंत्री जी का और फिर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा, वो अपनी बात कहेंगे, मार्गदर्शन पूरे देश के ही करेंगे। तो इस कार्यक्रम का भी आयोजन ठीक से होना है तो उसकी चिंता भी आप अपने अपने जिलों में जरूर कर लें और आप कहाँ जाएंगे वो भी तय करके बता दें।